कालाबाजारी रोकने के लिए डीएम के निर्देशन में मनोहरपुरा क्षेत्र में खाद्य विभाग ने राशन माफिया के गोदाम पर छापा मारा। 35 कट्टे चावल की बरामद बुधवार को जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देशन में आ रही शिकायतों के आधार पर राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए मनोहरपुरा स्थित राशन माफिया के गोदाम पर खाद्य विभाग एवं एसडीएम की देखरेख में छापेमार अभियान चलाया गया। एसडीएम नीतू रानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी को लगातार आ रही शिकायतों के आधार पर गठित टीम के द्वारा जनपद में अभियान चलाया गया है, जहां मनोहरपुरा स्थित सोहेल पुत्र सत्तार राशन माफिया के यहां जांच किया तो वह पहले गुमराह करता रहा, परंतु गुप्त जानकारी के अनुसार गोदामों में रखे अवैध 35 कट्टे चावल के बरामद किए गए। मौके पर खाद्य विभाग की टीम ने माल को जब्त कर जांच के आदेश दिए हैं, जहां एसडीएम नीतू रानी ने बताया कि जनपद में कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और गरीबों के हक पर किसी को भी डाका नहीं डालने दिया जाएगा एवं निष्पक्ष न्याय कराकर जांच की जाएगी और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम नीतू रानी ने बताया। देखिए मथुरा से संवाददाता उमेश भदौरिया की खास रिपोर्ट। जी मैडम, आज आपके द्वारा यहाँ एक अभियान चलाया गया, अभियान के तहत काफी कुछ चेकिंग भी की गई, क्या था पूरा मामला? ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमको ये मतलब निर्देश हुआ था कि मनोहरपुरा में सुहेल हैं पुत्र सत्तार, तो उनकी ये खबर थी कि वो ऐसे इलीगली उन्होंने चावल के कट्टे रखे हुए हैं काफ़ी सारे, तो उस क्रम में ये सारा जांच अभियान चला है। यहाँ पे हमें खबर मिली कि यहाँ पे उनका गोदाउन है सुहेल का, तो यहाँ पे इसलिए हम चेक करने आए थे। मनोहरपुरा में भी जहाँ पे उनका घर है पानी की टंकी के पास, तो वहाँ पे भी काफ़ी जगह पर चेक किया गया, तो जो सत्तार हैं पहले उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की कि कभी इधर बताया कि यहाँ पे गोदाम है उधर गोदाम है, बाद में दो तीन घरों में हमें कट्टे मिले हैं, करीब 33-35 के आसपास जो हैं चावल के कट्टे, एक दो गेहूं का कट्टा, ये सब मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। जो अभी जो जिला पूर्ति अधिकारी हमारे साथ थे तो उनकी टीम के द्वारा ये अभी मतलब उनकी टीम के अंडर में है। और जो लोग राशन लेते हैं और उसका मिसयूज करते हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा, क्या कुछ कार्यवाही भविष्य में ऐसी देखने को मिली? ज़रूर, इसके ये जो अभियान चला है इसके स्वरूप फलस्वरूप आगे भी कार्रवाई होती रहेगी, और मुझे लगता है जो अभियान चला है उससे एक कड़ा संदेश जाएगा और आगे जो है इस पर कार्रवाई होगी। जो लोग राशन की कालाबाजारी करना कर रहे हैं या कर सकते हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी ओर से? हम ये कहना चाहेंगे कि अभी आप जो अभियान चला है इसकी सूचना ज़रूर आप सभी मतलब प्रेस के माध्यम से उन तक जाएगी, तो मुझे लगता है कि उसको भी एक कड़ा संदेश जाएगा कि ये सब चीज़ें वो ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज नहीं तो कल आप पे भी कार्रवाई होगी। जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि जैसे इस तरह के अभियान कभी चलते हैं तो आप, हम चाहते हैं कि जनता भी सहयोग करे उसमें। आज हमने देखा कि काफ़ी जगह पर लोगों ने हमें सहयोग नहीं दिया, बहुत मुश्किल के बाद हमें सूचना मिली और बहुत 2-3 घंटे हमने कार्रवाई की, तब जाकर हमें पता चला कि कट्टे कहाँ पर हैं। अब वहाँ पे लोगों से लगातार पूछते जा रहे थे पर मोहल्ले में लोगों ने सहयोग नहीं किया, थोड़ा हमें पुलिस का सहयोग लेना पड़ा, थोड़ा आप लोगों का सहयोग मिला हम लोगों को, तो ये कार्रवाई पूरी हो पाई।